दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं दीपांकर गुप्ता। जेके न्यूज टुडे लगातार आपको अपडेट्स देता रहता है और अभी जो कल देर रात लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की तरफ से, बड़ा उलटफेर अलग अलग जगह पर हुआ है। हम आपको बताते चलें कि जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी है, वहीं नगरोटा से बलबीर सिंह को टिकट दी गई है, जम्मू ईस्ट से योगेश सानी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है, बाहू सीट की अगर हम बात करें तो पीएस टोनी वहां पर उम्मीदवार हैं, जम्मू साउथ आरएसपुरा सीट की बात करें रमन भल्ला को जम्मू साउथ आरएसपुरा जो इलाका है वहां से टिकट दी गई है, बिश्ना जो कि एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर नीरज कुंडल को उम्मीदवार बनाया गया है, सांबा से कृष्ण देव सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, रामगढ़ की बात करें यशपाल कुंडल रामगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं हीरानगर से राकेश चौधरी जट जो है वो उम्मीदवार हैं, जसरोटा से ठाकुर बलबीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बड़े स्टॉलवाट और एमपी चौधरी लाल सिंह जो है वो बसोली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं बात करें बिलावर की तो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कांग्रेस के जो उम्मीदवार वहां से घोषित किए गए हैं, बनी से काजल राजपूत को मिस काजल राजपूत को यहां से बनाया गया है। बड़ा उलटफेर हमने शुरू में इसलिए कहा क्योंकि बड़ा उलटफेर जो है वो रामनगर जो उधमपुर की एक रिजर्व डिस्ट्रिक्ट की एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर हुआ है। हम आपको बताते चलें कि रामनगर में DDC बीजेपी के जो मूल राज थे उन्होंने दो दिन पहले तीन दिन पहले इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अनाउंस किया था कि उन्हें इंडिपेंडेंट लड़ना है, लेकिन अब जो खबर है वो अपडेट ये है कि मूल राज को रामनगर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। रामनगर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर बीते दिन आपने देखा किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सुनील भारद्वाज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, वहीं उधमपुर वेस्ट की अगर हम बात करें तो सुमित मंगोत्रा को उधमपुर वेस्ट से उम्मीदवार बनाया गया है, कश्मीर से तीन सीटें अनाउंस की गई हैं, लंगेट से इशरत अब्दुल गनी का नाम जो है वो सामने आया है, जबकि हम आपको ये भी बताएं कि सोपोर से हाजी अब्दुल रशीद का नाम सामने आया है और बागपुरा खीरी से एडवोकेट इरफान का नाम जो है वो सामने आया है। ये तमाम 19 नाम हैं जो थर्ड लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, ऐसे में काफ़ी सारी सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई थी और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना फाइट जो है वो हो रही है।